ग्वालियर में निजी स्कूल के शिक्षक ने 13 साल के छात्र को फेल करने की धमकी देकर कुकर्म कर दिया। विरोध करने पर शिक्षक ने छात्र को जान से मारने की धमकी दी। डर से में छात्र ने परिजनों के साथ जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने कुकर्म का केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को पकड़ लिया है। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाले 13 वर्षीय छात्र के साथ यह घटना हुई है। छात्र ने पुलिस को बताया कि वह पीडी कॉन्वेंट स्कूल रामटापुरा में 6वीं क्लास का छात्र है। स्कूल के प्रिंसिपल पीडी मिश्रा का बेटा राकेश मिश्रा स्कूल में शिक्षक है। छात्र ने बताया कि राकेश कई दिनों से उसे गलत तरीके से परेशान कर रहा था। 28 फरवरी को शाम 7 बजे राकेश मिश्रा ने मोबाइल से फोन लगाकर उसे क्लागेट मिलने बुलाया। यहाँ एक गली में ले जाकर छात्र के साथ दुष्कर्म किया। छात्र के मुताबिक जब उसने विरोध किया तो टीचर राकेश ने कहा कि अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तो परीक्षा में पास करवा दूंगा, अगर बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। जब राकेश उसके साथ गलत काम कर रहा था उसी दौरान वहां से राहगीर गुजरने लगे तो राकेश ने उसे छोड़ दिया और दूसरे दिन किले पर मिलने के लिए बुलाया। घटना के बाद छात्र ने घर पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की परिजन को बताई। इस कार परिजनों के साथ थाने पहुंचकर छात्र ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग छात्र की शिकायत पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे छात्र साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या ये एक बच्चे ने कल रिपोर्ट की थी कि कल शाम को एक जो टीचर भी है और वहाँ के प्रिंसिपल का लड़का है, ऐसा उस व्यक्ति ने इनके सेस के साथ में गलत काम किया है। तो पुलिस ने प्रकरण कायम किया है, मेडिकल कराया है बच्चे का और अभी जो आरोपी है उसको कस्टडी में लिया। तो पास कराने की एवज में गलत काम, हाँ ऐसा उसको बताना है कि पास कराने के एवज पे दुष्कर्म का किया है। तो अभी आरोपी हिरासत में, हाँ पुलिस की हिरासत।